हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। इस लेक्चर में हमने डिस्टेंस प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग रिएक्टेंस रिले के बारे में हमने पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दिस वी डिस्कस दिस यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन, जिसमें से दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ करंट, दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ वोल्टेज, एंड दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल कंपोनेंट, एंड दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग। इससे पिछले लेक्चर में वी डिस्कस दिस। सो फॉर यूनिवर्सल For the reactance relay, the universal torque equation can be arranged such that K1 is positive. It means that K1, hum kya rakhenge? It will act like as in relation operating coil, operating torque. It will cause the relay to trip. Jabki K2 mein 0 rakhunga, there is no torque because of voltage. Aur K3 ko mein negative rakhunga, or it means that K3 will be smaller than K2. Here is training torque hoga, right? So if K1 is greater than K3, so it could be written that this, अगर ये कंडीशन हो, it will trip, otherwise it will remain restrained. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो जेड सीन इज इक्वल टू cos theta माइनस tau इज लेस देन आर इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K3, where tau इज द मैक्सिमम टार्क एंगल एंड theta इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड जेड सीन इज द अपेरेंट इम्पिडेंस सीन बाय द रिले। अगर द करंट और वोल्टेज मेजर करेगा रिले, सो द इम्पिडेंस कैलकुलेटेड बाय दिस इज कॉल्ड जेड सीन। Let's move on. What I will do, I will just key MTA 90. अगर मैं MTA को 90 रखूँगा तो जेड सीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? It will just convert to the reactance. क्यों? क्योंकि इसमें से क्या होगा, अगर ये मेरे पास एक जेड की लाइन है और इसमें से मैं MTA इसको 90 रखूँ, मैं इसको इस साइड पे रखूँ, तो ये सिर्फ X बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस रिले। इसी तरह K1 डिवाइड बाई 3 को मैं X इन रखता हूँ, जो कि सेट वैल्यू होगा, पहले से मैं इसको सेट करूंगा, और जेड सीन कॉस थीटा माइनस 90, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस 90 साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा किसके बराबर हो, जेड सीन साइन थीटा किसके बराबर, तो एक्स के बराबर होता है। सो एक्स सीन अगर लेस देन जेड इन, जेड इन है द थ्रेशोल्ड वैल्यू, द सेट वैल्यू, तो इससे क्या होगा, रिले ऑपरेट करेगी, अदरवाइज रिले विल नॉट ऑपरेट। सो हाउ यू विल प्लॉट दिस इन अ एक x arc graph, for example. So on x axis we have r and on y axis we have x reactance. So this is what we are getting, this straight line. Below this agar x in ki value aa jaye to kya karenge, wo trip karenge, otherwise it will restrain for the upper side. So what is a straight line? Because we said that our reactance, this is a reactance relay, and we keep the MTA इक्वल टू 90, सो ये क्या करेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर MTA की वैल्यू 90 ना हो तो ये इस तरह की लाइन बनेगी, दैट विल हैव सम स्लोप, राइट। लेट्स मूव ऑन। ड्यूरिंग नॉर्मल लोड इट विल ऑपरेट ऑलवेज एट द नॉर्मल लोड, बिकॉज इससे पहले हमने देखा था कि नॉर्मल लोड लाइज दिस, राइट। नॉर्मल लोड क्या होगा, इधर लाई होगा, तो ये किस रीजन में आ रहा था, ट्रिप रीजन में आ रहा है, बिकॉज इस लाइन के नीचे जितना भी रिएक्टेंस होगा उसकी वजह से रिले ऑपरेट करेगी। सो इट लाइज बिलो द दिस थ्रेशोल्ड लाइन, सो फॉर नॉर्मल लोड ये ऑपरेट कर रहा है, जबकि इसको नहीं होना चाहिए। सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, जो कि क्योंकि ये नॉर्मल लोड के लिए ऑपरेट करेगा। सो अ सुपरविजन रिले फ्रॉम अदर रिले इफ इट इज टू बी यूज, और ट्रांसमिशन लाइन, और ये किस लिए यूज होता है, ये फॉल्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए यूज होता है। अच्छा, अगर रिएक्टेंस आर्क रेजिस्टेंस, व्हाट डज रिएक्टेंस विल बी इफ आर्क रेजिस्टेंस टेक प्लेस, अगर हमारे पास आर्क हो जाए तो आर्क की वजह से ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या करता है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंस डजंट चेंज विद द आर्क रेजिस्टेंस। अगर आर्क रेजिस्टेंस हो जाए, क्योंकि वो रियल पार्ट होता है, तो वो इस तरफ चेंज होगा, जब इस तरफ चेंज होगा इसको अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक अलग लाइन, तो वो भी अंडर दिस रीजन आ रहा है, इसके लिए रिले ऑपरेट करेगी। तो इसका मतलब ये कि आर्क रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द रिएक्टेंस, आई मीन रिएक्टेंस डज नॉट चेंज विद द आर्क रेजिस्टेंस। सो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, इसकी फॉल्ट लोकेशन, अगर केबल यूज़ किया हो उसकी फॉल्ट लोकेशन के लिए यू कैन यूज दिस। इसमें भी डायरेक्शनलिटी नहीं है, अगर फॉल्ट किसी भी डायरेक्शन में हो तो अगर ये क्या होगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये फॉरवर्ड करंट है, ये रिवर्स करंट है, तो ये रिवर्स करंट के लिए भी ऑपरेट करता है, रिवर्स फॉल्ट के लिए भी ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड के लिए भी करता है। सो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई डायरेक्शनलिटी नहीं है। डायरेक्शनलिटी के लिए कौन सी रिले यूज होती है, मोर रिले यूज होगी, दैट वी विल डिस्कस
after this, acha, power swings. Power swing, we have discussed this in the last lecture. Agar load change ho jaye, or for example disturbance aa jaye, switches ho jaye, ya koi fault aa jaye, so power change hogi. Power kaise change hogi? Because रोटर एंगल जो जिसको हम टॉर्क एंगल कहते हैं, ये चेंज होगा. जब ये चेंज होगा पी चेंज होगा, जब पी चेंज होगा तुम्हारा आई चेंज होगा, जब आई चेंज होगा तो उसके हिसाब से जेड या एक्स चेंज होगा. जब एक्स एक्स चेंज होगा तो उसके हिसाब से ये लाइन ऊपर नीचे जाएगी. सो इसमें से एक्स पॉइंट आता है जिसको वी सेंटर कहते हैं, जिस पर वी क्या होता है, जीरो होता है. फॉर एग्जाम्पल जेड वो लाइन है जिस पर इलेक्ट्रिकल सेंटर आया, तो इसके लिए रिले क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, क्योंकि ये इस जोन में आ रहा है जबकि इसको नहीं होना चाहिए. तो ये रिले भी यूज़ नहीं हो सकती बिकॉज पावर स्विंग के केस में ये ऑपरेट करता है. सो ये था कि हाउ यू विल यूज़ एंड वेयर यू विल यूज़ रिएक्टेंस रिले. थैंक यू सो